Hello everyone. Good evening. How are you all? I am Nirich Kumar Kathal and you are watching for Nurses Preparation YouTube channel. Today is 27 March 2021, and today is important multiple choice question and answers for upcoming nursing competitive exams like AIMS Norset are ready. So let's begin our today's question session. Question number one The nurse is teaching an adult. हु हैज़ एंजाइना अबाउट टेकिंग नाइट्रोगलिसन एक नर्स के द्वारा उस पेशेंट को टीचिंग की जा रही है जिसमें एंजाइना पैक्टोरिस डिजीज है और वो पेशेंट नाइट्रोग्लिसन ले रहा है द नर्स टेल हिम ही विल नो द नाइट्रोग्लिसन इज इफेक्टिव वेन नर्स के द्वारा उसे बताया जाता है कि पेशेंट द्वारा एंजाइना पैक्टोरिस कंडीशन में ली जा रही नाइट्रोग्लिसन ड्रग इफेक्टिव कब मानी जाएगी आपके ऑप्शन हैं ही एक्सपीरियंसेस स्टिंगलिंग अंडर द टंग जब उस पेशेंट को अपनी उस पेशेंट की जीप के नीचे टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो तब नाइट्रोग्लिसरिन इफेक्टिव मानी जाएगी या फिर पल्स रेट इंक्रीज़ उस पेशेंट की पल्स रेट इंक्रीज हो जाए तब इफेक्टिव मानी जाएगी या फिर उस पेशेंट का पेन ठीक हो जाए तब नाइट्रोग्लिसरीन इफेक्टिव मानी जाएगी या फिर उसकी एक्टिविटी टॉलरेंस बढ़ जाए the right answer of the question is option 3 pain relief is the expected outcome when taking nitroglycerin nitroglycerin tablet ko jab bhi aap patient ko denge उसे chest pain से relief मिल जाएगा तो pain जैसे ही person का ठीक होने लगेगा हम कहेंगे कि nitroglycerin ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और पेशेंट में यह ड्रग इफेक्टिव है चेस्ट पेन होने पर पर्सन को रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए और साथ ही साथ रूट से पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, एंटीजी टैबलेट्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। यदि पर्सन में नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स देने के बाद भी पेन रिलीफ ना हो तो सेकंड टैबलेट दी जाती है पांच मिनट बाद अगर फिर भी पेन रिलीफ ना हो तो उसके पाँच मिनट बाद एक और टैबलेट सब लिंगल रूट से दी जा सकती है नाइट्रोग्लिसरीन की इस तरह से टोटल पंद्रह मिनट में तीन टैबलेट्स दी जाती हैं और यदि पर्सन में पेन रिलीफ ना हो तो इससे यह अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि पर्सन में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कंडीशन डेवलप हो रही है ना कि एन्जाइनापैक्टोरिस नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो हैं काफ़ी इफेक्टिव होती हैं नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन और हेडेक के रूप में देखने को मिलता है एंजाइना पैक्टोरिस और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं वैसोडाइलेन ऑफ कॉरोनरी वेसल्स विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल डिक्रीजिंग पेन कॉज बायिया एंजाइना पैक्टोरिस जो कंडीशन होती है उसमें पर्सन को जो चेस्ट पेन होता है वो क्यों होता है पर्सन की हर्ट की मसल्स में कोशिकाओं में प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और ऑक्सीजन के वहां नहीं पहुंचने के कारण स्टीमिया होता है और इस्चीमिया की वजह से पेन होता है जैसे ही आप पेशेंट के अंदर नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट देते हैं सब लिंगल रूट से तो उस पर्सन की जो कॉरोनरी वेन वेसल्स हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं फैल जाती हैं जिससे ज्यादा मात्रा में और तेजी से ब्लड आगे हर्ट तक पहुंच पाता है और जैसे ही ब्लड हर्ट की सेल्स तक पहुंचता है पर्सन को पेन से रिलीफ होना लग जाता है इस्चिमिया कंडीशन रिजॉल्व होने लग जाती है इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद पर्सन के अंदर तुरंत पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है टिंगलिंग अंडर द टंग एंड हेडेक इंडिकेट दैट ड्रग और मेडिकेशन इज पॉटेंट यदि पर्सन के अंदर टिंगनिंग और हेडेक जैसी सिचुएशन आ रही है तो हम कहेंगे कि पेशेंट के लिए नाइट्रोग्लिसरीन पोटेंट है काफी ज्यादा तेज है हिज पल्स रेट शुड डिक्रीज वेन द पेन इज रिलीव्ड हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं जब भी कोई पर्सन पेन कंडीशन में होता है तो उसकी पेन के कारण हर्ट रेट बढ़ जाती है इस सिचुएशन में जैसे भी जैसे भी जैसे ही हम पर्सन को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देंगे उसका पेन कम होगा और पेन जैसे ही कम होगा पर्सन की जो हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल होने लग जाएगी क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताना है कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है सिक्कल सेल डिजीज क्रिसमस डिजीज हिमोफीलिया ए या फिर हिमोफीलिया बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन सी यदि किसी पर्सन में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की कमी हो जाए तो उसमें हिमोफीलिया ए नामक डिजीज होता है हीमोफीलिया को आप रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले यह शाही परिवारों में पाया गया था रॉयल फैमिलीज में पाया गया था हीमोफीलिया बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होने वाला ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड थक्का नहीं बन पाता क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता इस वजह से थोड़ी भी चोट लग जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है हीमोफीलिया ए है वो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की कमी से होता है जबकि हीमोफीलिया बी जो है क्लॉटिंग फैक्टर नाइन की कमी से होने वाला डिजीज है हेमोफीलिया ए इज कॉस्ड बाई अ म्यूटेशन इन द जीन फैक्टर एट सो देअर इज डेफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर हमने जैसा कि बताया हिमोफीलिया ए है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की कमी होती है हीमोफीलिया बी ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज एंड डेफिशियंसी फैक्टर नाइन ड्यू टू म्यूटेशन इन द कॉरस्पॉन्डिंग जीन हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर नाइन की कमी हो जाती है क्वेश्चन नंबर थ्री इमीडिएट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर लेबर की थर्ड स्टेज का इमीडिएट या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन इन चारों में से कौन सा माना जाता है ए ब्लीडिंग बी शॉक सी सब इन्वॉल्यूशन या फिर डी परफोरेशन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज ऑप्शन ए दैट इज ब्लीडिंग यदि लेबर की थर्ड स्टेज में आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा माना जाता है तो आप कहेंगे ब्लीडिंग लेबर को हम डिलीवरी को हम टोटल चार प्रोसेस में बांट सकते हैं सिंपली हम अगर क्विकली रिवाइज करें इस चीज को तो जो पहली स्टेज होती है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर सर्वाइकल डायलेशन टेन सेंटीमीटर होने तक मानी जाती है जैसे ही सर्विक्स दस सेंटीमीटर डायलेट होता है लेबर की सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है और इस स्टेज में फिटस की डिलीवरी होती है फिटस का एक्सपल्शन हो जाता है और इस जैसे ही फिटस का एक्सपल्शन होता है डिलीवरी होती है सेकेंड स्टेज खत्म हो जाती है और फिर थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है और जो फोर्थ स्टेज होती है उसे हम ऑब्जर्वेशन स्टेज के नाम से जानते हैं बिकॉज इस इस स्टेज के अंदर जो मदर के ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आने लगते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स मंथ ओल्ड क्लाइंट अ सिक्स मंथ ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल इंटरसेप्शन ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री इज लीस्ट हेल्पफुल इन ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायग्नोसिस एक छ महीने का बच्चा जिसमें इंटूसप्शन डिजीज है उससे नर्स क्वेश्चन कर रही है हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान तो इन नीचे बताए ऑप्शन में से आपको चूज करना है उस ऑप्शन को जिससे कि जिसे पूछा जाना इतना आवश्यक नहीं है आपके ऑप्शंस हैं टेल मी अबाउट हिज पेन इस बच्चे को कहां पेन हो रहा है इसके बारे में बताइए वॉट डज हिज वॉमिट लुक लाइक उसकी वॉमिटिंग किस प्रकार की दिखती है ऑप्शन सी डिस्क्राइब द यूजल डाइट बच्चे की यूजुअल डाइट के बारे में बताइए या फिर हैव टू नोटिस एनी चेंजेस इन एबडोमिनल साइज क्या आपने बच्चे के पेट में कुछ बदलाव महसूस किए हैं इन सभी ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करना है द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट आप उस मदर से या फैमिली मेंबर से उस बच्चे की डाइट के बारे में पूछना सही नहीं होगा बिकॉज छः महीने का बच्चा है और वो क्या डाइट लेगा आप इसे अच्छे से जानते हैं छः महीने तक बच्चे को हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं इंटुसेप्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो इंटेस्टाइन है वो लाइक टेलीस्कोप हो जाती है क्वेश्चन नंबर फाइव इनहेरिटेड सेक्स लिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज हिमोफीलिया थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज और परप्योर्ड अनुवांशिक सेक्स लिंक ब्रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में आपको बताना है राइट आंसर इज ऑप्शन ए हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड सेक्स लिंक ब्रीडिंग डिसऑर्डर है क्वेश्चन नंबर सिक्स द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एपिलेप्सी हु इज बींग ट्रीटेड विथ कार्बे एक क्लाइंट जिसमें एपिलैप्सी नामक डिजीज है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कार्बे ड्रग इस्तेमाल की जा रही है विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग कार्बे का यदि उस पर्सन में साइड इफेक्ट पता करना है तो नीचे दिए गए वैल्यूज में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू इस ड्रग के साइड इफेक्ट को दर्शा रही है ऑप्शन ए यूरिक एसिड लेवल फाइव एमजी पर ऑप्शन बी मेटोक्रिट ऑफ थर्टी थ्री परसेंट ऑप्शन सी डब्ल्यू बी सी टू थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीलीटर या फिर ऑप्शन डी प्लेटलेट्स वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीलीटर लीटर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डब्ल्यू बी सी काउंट टू थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीलीटर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल डब्लू काउंट जो होता है वो फोर थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड के बीच माना जाता है लेकिन यहाँ पर डब्लू काउंट चार हजार मिनिमम ना रहकर दो हजार आ गया है इसका मतलब है कि पर्सन के अंदर डब्लू की संख्या बहुत कम हो गई है और इस वजह से हम कहेंगे ये उस पेशेंट में कार्बे ड्रग के द्वारा होने वाला साइड इफेक्ट है जिसको ये वैल्यू इंगित कर रही है न सप्रेस द बोन मैरो वाइट ब्लड सेल काउंट दैब वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी सी टू थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीलीटर इंडिकेट द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग कार्बेजेपोइन या ट्रिगेटॉल ड्रग के द्वारा पर्सन की बोन मैरो को सप्रेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से डब्ल्यू बी सी काउंट कम हो जाता है आइए फ्रेंड्स अदर नॉर्मल वैल्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मली जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो होता है 2.4 से 6 एम जी पर डी एल यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल माना जाता है वो 2.4 से 6.0 पॉइंट जीरो पर डी माना जाता है और यहाँ क्वेश्चन में 5 एम जी पर डी दिया गया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है हिमेटोग्रिड की बात करें तो हिमेटोग्रिड का लेवल मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग देखा जाता है वुमन के अंदर थर्टी परसेंट से फोर्टी फोर परसेंट के बीच जबकि मेल्स में फोर्टी से फिफ्टी परसेंट के बीच में माना जाता है आपको ये वैल्यूज अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकती है पर ऑन एन एवरेज यही होता है यहाँ पर हमने ऑप्शन बी की वैल्यू को सही इसलिए नहीं माना क्योंकि इस वैल्यू के कंपेयर में ये वैल्यू काफी ज़्यादा डिक्रीज है सो प्रायोरिटी वाइज हम इसे ज़्यादा सही मानेंगे प्लेटलेट काउंट्स की बात किया जाए तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से फोर लैख पर क्यूबिक मिलीलीटर माना जाता है एपिलैप्सी डिजीज कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से सीजर्स आते हैं आप एपिलैप्सी को सिंपली सीजर्स के नाम से भी जान सकते हैं एपिलेप्सी का मेन कारण जो है आप इसे ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस या फिर ट्रॉमा भी मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज मोरो रिफ्लेक्स नवजात शिशु में पाया जाता है और यह कब डिसअपियर होता है उस एज को आपको बताना है छ महीने पर चार महीने पर तीन महीने पर या फिर आठ महीने पर द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज 3 months. मोरो रिफ्लेक्स बच्चे में तीन महीने के बाद डिसअपियर हो जाता है खत्म हो जाता है गायब हो जाता है आइए मोरो रिफ्लेक्स के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं द रिफ्लेक्स इज एन इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स दैट डेवलप्स बिटवीन ट्वेंटी एट टू थर्टी एट थर्टी टू वीक्स ऑफ गैस्टेशन एंड डिस बिटवीन थ्री टू सिक्स मंथ्स ऑफ एज रिफ्लेक्स जो है एक साल से कम उम्र के बच्चे यानी इन्फेंट्स में पाया जाने वाला है रिफ्लेक्स है जो कि गैस्ट्रेशन के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान 28 से 32 सप्ताह के बीच डेवलप होता है और ये तीन से छह महीने की एज पर डिसअपियर हो जाता है तीन से छह महीने की एज के दौरान ये डिसअपियर होना हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू थ्री इयर्स ये डिसअपियर हो ही जाता है इट इज़ अ रेस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड इन्वॉल्व थ्री डिस्टिनिक कॉम्पोनेंट्स इस रिफ्लेक्स के अंदर हम बच्चे को गोदी में लेते हैं और अचानक से उसे सपोर्ट को हटा देते हैं तो इस सिचुएशन में तीन अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे ऐस जैसे ही हमने सडनली बच्चे के बच्चे को दिया हुआ सपोर्ट जैसे ही हम हटा लेंगे अचानक से बच्चा अपने हाथों को एबडक्शन पोजीशन में लाएगा यानी फैला देगा और उसके बाद पुलिंग द आर्म्स इन एडक्शन एडक्शन उसके बाद वो अपने आर्म्स को एडक्शन पोजिशन में लाएगा सेंट्रल की तरफ लाएगा और क्राइंग उसमें देखने को मिलेगा जनरली यानी कि जैसे ही हमने बच्चे को इन्फेंट को जो सपोर्ट दे रखा था उसे हटाया अचानक से वो अपने हाथों को फैला देगा फिर धीरे से अपने हाथों को पास में लाएगा और रोना शुरू कर देगा यही रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है जो 28 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर डेवलप होता है और तीन से छह महीने की एज तक गायब हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन विद हिमोफीलिया द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव किसी हिमोफीलिया के पेशेंट में यदि आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है तो आप उसे क्या देंगे एल्ब्यूमिन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फैक्टर फैक्टर नंबर एट कॉन्सेंट्रेट या फिर फैक्टर टू सेवन नाइन टेन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसे आप एफ एफ पी के नाम से भी जानते हैं हीमोफीलिया बेसिकली एक क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो कि दो प्रकार का हो सकता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट की कमी और नाइन की कमी यहां पर ऑप्शन सी में कॉन्सेंट्रेट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एट लिखा है लेकिन यह क्लियर नहीं है कि यह हिमोफीलिया ए है या बी है इसलिए हमने इसे सही नहीं माना हिमोफीलिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को देते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद रहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन नीचे बताए गए सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में पाए जाते हैं एक को छोड़कर ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन ऑप्शन सी मायोसिन ऑप्शन डी फिब्रिनोजन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मायोसिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग लाइक एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन ये तीनों ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड में पाए जाते हैं जबकि मायोसिन एक मसल प्रोटीन है जो कि मसल्स में पाया जाता है प्लाज्मा सच एज एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन फिब्रीनोजन एक्सेट्रा मायोसिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर्स कंटेनिंग फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल मसल प्रोटीन याद रखिएगा मायोसिन प्रोटीन जो है मसल फाइबर्स में पाया जाता है और मसल्स में पाए जाने वाले टोटल प्रोटीन का ये लगभग 45 परसेंट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर टेन फोर्टी फाइव इन ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिकरेंट रन फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया नोटेड ऑन होल्टर मॉनिटरिंग एक 45 साल का क्लाइंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जिसमें कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज नोट किए गए हैं जब उसे होल्टन मॉनिटरिंग पर रखा गया था द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी द फॉलोइंग मॉर्निंग अब उस क्लाइंट में हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करवाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में विच स्टेटमेंट शुड द नर्स इंक्लूड इन अ टीचिंग प्लान फॉर दिस क्लाइंट इस क्लाइंट में टीचिंग के समय नर्स के द्वारा नीचे बताए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टीचिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन वन यू विल कंटिन्यू टू टेक योर मेडिसिन अंटिल द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट नर्स के द्वारा कहना चाहिए कि आपको अपनी मेडिसिन अपने टेस्ट तक कंटिन्यू लेनी है या फिर यू विल बी सीडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड यू विल नॉट रिमेंबर वॉट वॉज हैपेंड आपको इस प्रोसीजर के दौरान सीडेट कर दिया जाएगा और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ या फिर ऑप्शन थ्री दिस टेस्ट इज नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मेडिकेशन रेजिमेन ये एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें हम आपकी दवाइयाँ कितनी इफेक्टिव हैं इस चीज़ का पता लगाएंगे या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ स्पेशल वायर इज यूज टू डिक्रीज सॉरी इंक्रीज द हर्ट रेट एंड प्रोड्यूस अ इरेग्युलर बीट्स दैट कॉजेज योर साइन एंड सिम्टम्स इस प्रोसीजर के दौरान हम एक वायर को हर्ट में इन, इंसर्ट करेंगे और वहां पर इरेग्युलर बीट्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे हम आपको इ, इन इन बीट्स के दौरान आने वाले साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानकारी कर सकें आपको सिंपली बताना है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फोर ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ स्पेशल वायर इज़ यूज टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड प्रोड्यूसेज अ इरेग्युलर बीट कॉजिंग योर साइन एंड सिम्टम्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के दौरान हम एक स्पेशल वायर को इंट्रोड्यूस करेंगे और हार्ट में इरेग्युलर बीट्स कॉज करवाएंगे जनरेट करवाएंगे और इन इरेग्यूलर बीट्स के दौरान आपके बॉडी में हर्ट में क्या क्या साइन एंड रिकॉर्ड किया जाएगा इस स्टडी के दौरान आइए को जान लेते हैं ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी इज टू स्टडी हर्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम हर्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टडी करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी सिस्टम यूज किया जाता है During this invasive procedure, a special wire introduced into the heart to produce dysrhythmias. इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी के दौरान हम एक पतले वायर को शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं हार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं डालते हैं जिससे कि हम डिसरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस करवा सकें टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोसीजर The client should be NPO for 6 to 8 hours before the test and all the anti-arrhythmic are held for at least 24 hours before the test to study the dysarrhythmias without influence of medication. अब इस person को हमें इस procedure से लगभग छह से आठ घंटे पहले ना तो कुछ खाने के लिए देना है ना कुछ पीने के लिए देना है NPO रखना है nothing पर oral रखना है और एंटी दिस एरेदमिक मेडिसिन जो चल रही हैं डिसरेदमिया को कंट्रोल करने वाली हर्ट की जो दवाएं चल रही हैं उसे इस प्रोसीजर को करने से लगभग 24 घंटे पहले ही रोक देना है ताकि टेस्ट के दौरान हम चाहते हैं कि उसके हर्ट में डिसरेदमियाज प्रोड्यूस किए जाएं तो वो होने चाहिए अदरवाइज़ यदि ये मेडिसिन कंटिन्यू रखेंगे तो हर्ट में स्टडी के दौरान प्रोड्यूस किए जाने वाले डिसरेदमियाज़ प्रॉपर नहीं होंगे और स्टडी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी बिकॉज द क्लाइंट इज क्लाइंट वर्बल रेस्पॉन्स टू रिदम चेंज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सीडेशन इज अवॉइडेड इफ पॉसिबल इस स्टडी के दौरान क्लाइंट के वर्बल रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं क्लाइंट को कैसा फील हो रहा है ये बताना आवश्यक होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि सीडेशन ना दिया जाए क्वेश्चन नंबर इलेवन अ नर्स वुड एक्सपेक्ट एंड एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट इन टू अ चाइल्ड विथ थीमोफीलिया हीमोफीलिया से ग्रसित एक बच्चे में कौन सी लैब रिपोर्ट एबनॉर्मल मिलेगी लैब वैल्यू एबनॉर्मल मिलेगी डिक्रीज प्लेटलेट इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज पीटी। टी द राइट आंसर एज ऑप्शन सी दैट इज इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम हमने पहले डिस्कस किया है कि हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है और क्लॉटिंग फैक्टर कम होंगे या एब्सेंट होंगे तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो पाएगी या फिर देर से होगी तो इस दौरान क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा जिन डिजीज कंडीशंस के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर एबसेंट होते हैं वहां पर या फिर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन में समय लगता है और ज़्यादा समय लगेगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा सिटी बढ़ जाएगा हिमोफीलिया इज अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सो ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन प्रोलॉन्ग एंड इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ब्लड क्लॉट जो है कोगुलेशन जो है वो समय ज्यादा लेगा और इस वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल दैन प्लीज क्लिक अपऑन द लाइक बटन थैंक यू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया हिमोफीलिया से ग्रसित बच्चे में आपको सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फीचर कौन सा मिलेगा ऑप्शन ए पिटैकी ऑप्शन बी हिमे आर्थ्रोसेस ऑप्शन सी ब्रुइजिंग ऑप्शन डी क्लबिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ब्रुइजिंग मोफीलिया से ग्रसित बच्चों में सबसे ज्यादा ब्रुइजिंग देखने को मिलेगा ब्रुइजिंग भी एक प्रकार की ब्लीडिंग ही है लेट्स सी द डिटेल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हिमोफीलिया आर एबनॉर्मल ब्लीडिंग आफ्टर ट्रोमा लाइक एपिस्टैक्सिस टेंडेंसी टू ब्रूइंग स्पेशली मोस्ट कॉमन एंड ज्वाइंट ब्लीडिंग हीमोफीलिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी जैसे एपिस्टैक्सिस टेंडेंसी टू ब्रूइज जिसे आप मोस्ट कॉमन मानते हैं और जॉइंट ब्लीडिंग जिसे आप हीमे आर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं जॉइंट ब्लीडिंग मीन्स आर्थ्रोसिस एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन हिमोफीलिया डिजीज क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ड्रग इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में किस दवा को एज अ प्रोफाइल यूज किया जाता है ऑप्शन ए वॉल्प्रोएट ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हेलोपेरिडॉल या फिर ऑप्शन डी फेनेट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज लिथियम लीथियम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है याद रखिएगा लीथियम ड्रग को हम मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन यूज करते हैं मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन लीथियम को इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोरटीन अ पेशेंट विथ हीमोफीलिया इज ब्रॉड टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर इंजुरिंग हिज नी द नर्स शुड एंटिसिपेट द नीड टू एडमिनिस्टर हिमोफीलिया पेशेंट को एमरजेंसी में लाया गया जिसके घुटने में चोट लगी है इस समय नर्स के द्वारा कौन सा नीचे बताया गया सब्सटेंस एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाएगा प्लेटलेट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फैक्टर नंबर एट या फिर आर बी सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एज ऑप्शन बी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इस सिचुएशन में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश एज सर्जिकल हैंड वॉशिंग के दौरान मिनिमम स्क्रबिंग टाइम कितना माना जाता है टू मिनट वन मिनट फाइव मिनट या फिर थ्री मिनट्स द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी Surgical हैंड वॉशिंग के दौरान मिनिमम 5 मिनट्स scrubbing टाइम माना जाता है सो so फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो आई होप ये वीडियो ये questions आपको अच्छे लगे होंगे हेल्पफुल होंगे आप यदि इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोस की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर आप सिंपली जाकर फॉरनर्स प्रिपरेशन टाइप करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडियाज़ का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रेगुलर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस कम्पलीट वीडियो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ क्लिक अप ऑन द लाइक बटन Share this video with your friends and subscribe our YouTube channel, its name for nurses' preparation, for more such interesting videos. All the best.